आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री कर्नाटक के ईश्वरप्पा को फोन किया। ईश्वरप्पा जी का टिकट कट गया, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और उनको हिदायत दी कि वो विद्रोह ना करें, वो बागी ना हो, और उनसे ये भी कहा कि बाकी लोगों को विद्रोह करने से रोके, पार्टी में ही रोक कर रखे, क्योंकि भाजपा में तो ऐसी भगदड़ मची हुई है कि पलायन जबरदस्त होता जा रहा है, 40 से ज्यादा तो बागी कैंडिडेट है। ईश्वरप्पा जी प्यार से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री से, टिकट कट जाने के बाद भी उनके घर के लोग आसपास थे, और सही बात है, प्रधानमंत्री से बात करना बड़ी बात होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही ईश्वरप्पा जी हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और इनके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद खुदकुशी कर ली, कमीशन खोरी का आरोप लगाकर 40%। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, आप ईश्वरप्पा जी को तो फोन करके रोकने की हिदायत दे रहे हैं, आपने संतोष पाटिल जी के परिवार को फोन किया क्या? आपने उनको कंडोलेंस दी क्या? आपने उनका कुशलक्षेम जानना चाहा क्या? आपने उनकी टोह ली क्या? क्योंकि वो भी आप ही का कार्यकर्ता था। और ये अलग बात है कि संतोष पाटिल की खुदकुशी के बाद कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आपको तमाम ज्ञापन दिए, तमाम चिट्ठियां लिखी, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। लेकिन अगर अब आपको लगता है कि आप 40% कमीशन की सरकार को लोगों को फोन करके बचा सकते हैं, तो ऐसे फोन तो आपने हिमाचल में भी किए थे। जब लोग मन बना लेते हैं तो आपके किसी फोन से यह डूबता जहाज डूबने से बच नहीं पाएगा कर्नाटक का आपका। लेकिन सवाल यह है कि कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से, क्या सत्यपाल मलिक जी सही कह रहे थे? आपको वाकई में कोई विशेष नफरत नहीं है, हमने अडानी के केस में देखा है, लेकिन सोचा यहां पर भी पूछ लो, आपको वाकई कोई आपत्ति नहीं है? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस 40% कमीशन का आपका पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त था, और इसीलिए फिर से एक सवाल पूछूंगी, ईश्वरप्पा जी को तो फोन कर लिया, संतोष पाटिल के परिवार को फोन कब कीजिए?